ट वी ऑनलाइन एजुकेशन हिट इज माई टॉपिक अबाउट प्राइस प्राइस इन मार्केट प्राइस इज द अमाउंट दैट कंज्यूमर टू पे फॉर अ प्रोडक्ट इनके कोई भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए जो कस्टमर जो है कंज्यूमर्स uh, जो हैं वो पे करते हैं उनको कहते हैं हम प्राइस एंड नेक्स्ट इज मार्केटर्स मस्ट लिंक द प्राइज टू द प्रोडक्ट रियल एंड रिसीव्ड वैल्यू वेल आल्सो कंसिडरिंग सप्लाई कॉस्ट सीजनल डिस्काउंट्स कॉम्पटर्स प्राइस एंड रिटेल मार्कअप यानी कि जो ताजिर होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वह प्राइस वगैरह देखेंगे रियल प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है रियल प्राइस क्या है और किस तरह से सप्लाई करेंगे वो और किस तरह से सीजनल डिस्काउंट्स वगैरह जो उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं ये हम लोग दे सकते हैं और कॉम्पटिटर्स यानी कि जो उनके साथ वाले हैं या दूसरी कोई कंपनीज़ हैं वो कितना रेट दे दी ये सारी चीज़ों पर देखा जाता है और इस तरह से फिर बिजनेस होता है एंड नेक्स्ट आ जाते हैं फर्दर डिस्कस अबाउट प्राइस इन सम केसेस बिजनेस डिसीजन मेकर्स मे रेज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू गिव इट द पीरियंस ऑफ लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी यानी कि इसके अंदर क्या है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिज़नेस डिसीजन मेकरस होते हैं जो बिज़नेस को डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइसेस रखी जाएँ या प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाई जाएँ उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो देखते हैं कि कैसे लग्जरीस लग रही है यानी कि उसके ऊपर मटेरियल किस तरह का लग रहा है हाई क्वालिटी है या उसके लिए लो क्वालिटी है ए बी सी डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं उसको देखते हुए उसका जो उसकी जो प्राइस है उसको बढ़ाया जाता है और दे मे लोअ द प्राइस सो मोर कंज्यूमर्स विल ट्राई इट और और वो इन चीज़ों को देखते हुए वो कीमत को बढ़ाते हैं और कम करते हैं मार्केटर्स आल्सो नीड टू डिटरमाइन व्हेन एंड इफ़ डिस्काउंटिंग इज़ अप्रोप्रिएट यानी कि मार्केटर्स यानी कि जितने भी ताजर उनको ज़रूरत होती है कि कब किस वक्त ज़रूरत है हमें डिस्काउंट्स वग़ैरह जो है उनको देने की एंड नेक्स्ट इज़ अ डिस्काउंट कैन ड्रॉ इन मोर कस्टमर्स यानी कि जो डिस्काउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिए जाते हैं बट इट कैन आल्सो गिव द इम्प्रेशन डेट द प्रोडक्ट इज़ लेस डिज़ायरेबल दैन इट वॉज़ यानी कि ये इसलिए ये सारा कुछ किया जाता है ताकि इस पर यह असरअर डाला जा सके कि जो प्रोडक्ट है वो उसकी ख्वाहिश यानी कि इतनी ज़्यादा है यानी कि इतना स्टॉक है कि उसको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हम बेच सकते हैं हे इज आवर टॉपिक अबाउट प्राइस एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल